सोनभद्र में चोरी के आरोप में दो युवकों की पिटाई। रेलवे के दोहरीकरण में इलेक्ट्रिक कार्य करा रही कंपनी के लोगों ने तांबे का वायर काटकर चुराने के आरोप में बेरहमी से पीटा। दो चोर मौके से फरार, दो आरोपी गंभीर रूप से घायल। मारपीट में शामिल कंपनी के ठेकेदार समेत 8 लोगों से पूछताछ के लिए ले गई पुलिस। कासगंज के सहावर में सपा नेता और उसके परिजनों पर भाजपा नेता से मारपीट का आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पक्ष पर थाने में पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप। थाने से निकलते ही 5 लोगों की पिटाई। एसपी के आदेश पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद के सहीबाबाद में महिला के गले से लूटी सोने की चेन। शालीमार गार्डन में झपटमार वारदात को अंजाम देकर फरार। सीसीटीवी में कैद घटना की तस्वीरें। आगरा में दबंगों का आतंक। प्लॉट का ताला तोड़ने से रोके जाने पर की फायरिंग। 3 फायर हुए मिस। बाल बाल बची पीड़ित की जान। पीड़ित ने थाना पुलिस और 112 नंबर पर दी घटना की सूचना। आरोपी फरार। दहशत में पीड़ित परिवार। थाना ताजगंज के तोरी चौकी का मामला। फिरोजाबाद में सिरसागंज सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कपिल यादव ने लगाई मंत्री की गाड़ी के पीछे दौड़। मंत्री के गाड़ी से उतरने के बाद छुए पैर, वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा में कोचिंग से घर जा रही छात्रा से छेड़छाड़। पुलिस ने मनचले अल्ताफ अंसारी को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई छेड़छाड़ की वारदात। अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला नल की घटना। सिद्धार्थनगर में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल। गांधी स्मारक संयुक्त जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीज को फर्श पर लेटाकर चढ़ाया ग्लूकोज। परिजनों के हाथ में थमाई ग्लूकोज की बोतल। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद का मामला। कोरोना काल में लागू की गई रविवार की साप्ताहिक बंदी हुई खत्म। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद यूपी सरकार ने लिया फैसला। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल पहुंचकर सीएम योगी ने जाना कल्याण सिंह का हाल। लंबे वक्त से बीमार कल्याण सिंह अस्पताल में है भर्ती। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं 4 से 6 नए मंत्री। बीजेपी आलाकमान ने दी हरी झंडी। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब बेटे का विवादित बयान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर दी बधाई। पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने दी थी बधाई। 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार में जेपी नड्डा। 2 दिनों तक मंत्रियों से लेकर सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम। संतों से भी लेंगे आशीर्वाद। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतने वाले पहलवानों का पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव ने किया स्वागत। बजरंग पूनिया, रवि दहिया के साथ साथ और भी पदक वीरों को बनाएंगे पतंजलि योगपीठ का ब्रांड एम्बेसडर। आगरा में जेल भेजे गए पूर्व मंत्री चौधरी बशीर की तलाकशुदा पत्नी नगमा ने अपना वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। हाईकोर्ट से भी जमानत न मिले इसकी भी नगमा ने गुजारिश की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से हमीरपुर मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 92 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये योजनाएं लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम विभागों के विकास को देखते हुए तैयार की गई। पश्चिमी यूपी में बालियान और गठवाला खाप में जुबानी तकरार मामले में नया मोड़। गठवाला खाप के प्रमुख राजेंद्र मलिक का एबीपी गंगा पर बयान। नरेश टिकैत सुलझाए विवाद। लखनऊ में एयरपोर्ट पर अब आधे घंटे में ही मिलेगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। एयरपोर्ट पर डिपार्चर हॉल में 30 रैपिड मशीनें लगाई गई। पहले दिन 350 यात्रियों की हुई जांच। 4 घंटे पहले की रैपिड आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांग रहे थे कई देश। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश के कई राज्यों ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज की। राज्यों का फोकस बच्चों पर है। कई राज्यों ने अपने अस्पतालों में बच्चों के लिए ज्यादा बेड और ऑक्सीजन का इंतजाम करना शुरू किया। सोनिया गांधी की विपक्षी नेताओं के साथ वर्चुअली बैठक।
विपक्षी नेताओं के साथ आगे विपक्ष की भूमिका को लेकर बातचीत, कई मुद्दों पर सरकार को सड़क पर घेरने की बनेगी रणनीति। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना 70वें दिन भी रहा जारी, क्रमिक अनशन के भी पूरे किए 50 दिन, देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग पर अड़े तीर्थ पुरोहित। श्रीनगर गढ़वाल के उपजिला चिकित्सालय को नई अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन और एम्बुलेंस की सौगात मिली, अब अन्य क्षेत्रों से रेफर होकर श्रीनगर पहुंचे मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। बागेश्वर आबकारी विभाग ने लाखों रुपए की शराब नष्ट की, शराब एफएल 2 गोदाम से निकालकर नष्ट की गई। करीब 5 साल पहले आबकारी विभाग ने एक मामले में अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की थी। अल्मोड़ा कृषि विभाग की नई पहल शुरू, विभाग ने अब पूरी तरह से लोहे से बने हल तैयार किए, जो पर्यावरण के साथ किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। पौड़ी में पीआरडी जवानों से कोविड ड्यूटी लिए जाने के बाद कई पीआरडी जवानों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। बेरोजगार हुए पीआरडी जवानों के आगे आया आर्थिक संकट, नौकरी बहाली की मांग को लेकर मुख्यालय में किया प्रदर्शन। मसूरी देहरादून मार्ग जेपी बैंड के पास अनियंत्रित होकर ट्रक पैराफिट से टकराया, ट्रक के पैराफिट से टकराने पर सड़क के नीचे घरों में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई, वहीं लोग अपने बच्चों को लेकर घरों से बाहर निकले। तेईस अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। उत्तराखंड में टाटा कैंसर अस्पताल की कवायद तेज, दिल्ली में एटॉमिक एनर्जी के मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक, मीटिंग में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे मौजूद, उत्तराखंड के कई बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने किया भारी विरोध। चार धाम यात्रा बंद होने से लोगों के सामने भुखमरी की नौबत, केदार घाटी के 80% लोगों की रोजी रोटी पर सवाल, यात्रा खोलने की सरकार से कर रहे मांग, घोड़ा खच्चर चलाने वालों पर भी मार, हाई कोर्ट की ओर से चार धाम यात्रा पर लगी थी रोक। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनके भतीजे निर्वाण खान और कैटरीना कैफ फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस रवाना हुए। इस फिल्म में एक बार फिर दर्शकों को सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। फरहान अख्तर ने हाल ही में प्रदर्शित फिल्म तूफान में काम किया है। फरहान रितेश सिद्धवानी के साथ मिलकर फिल्म युद्रा बना रहे हैं, जिसकी शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी की मुख्य भूमिका होगी और युद्रा एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो 2022 में रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस राशि खन्ना दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष के साथ काम करती नजर आएंगी। राशि खन्ना इन दिनों राजेश मापुस्कर की फिल्म रुद्र में काम कर रही हैं। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन और अतुल कुलकर्णी नजर आएंगे। इसके बाद वो धनुष की फिल्म की शूटिंग के लिए चेन्नई जाएंगे। अनुष्का शर्मा पति विराट कोहली के साथ लंच डेट पर गई थी, फोटो में वो विराट के साथ पोज देती हुई दिख रही हैं। यहाँ ट्रेंडल किचन के साथ एक स्टाफ ने उनके साथ पिक्चर क्लिक कराई। वहीं अनुष्का के पास ब्लैक कलर का प्राडा बैग देखा गया, जो काफी अट्रैक्टिव है। अनुष्का के स्टाइलिश बैग की कीमत 1,03,388 रुपए है। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस कियारा अडवाणी शशांक खेतान के निर्देशन में बन रही फिल्म मिस्टर लेले में एक बार फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करते दिखेंगे। विकी और कियारा अलीबाग में शूट किए जाने वाले एक गाने पर जल्द काम शुरू कर देंगे। दोनों को हाल ही में गाने के डांस रिहर्सल में स्पॉट किया गया। अभिनेता रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनके बाल बढ़े हुए हैं। उन्होंने पोनी टेल बना रखी है और साइड पोज में तस्वीरें शेयर की हैं। अब रणवीर सिंह अपने नए लुक को लेकर चर्चा में हैं। हीरोपंती से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली कृति सेनन ने बताया कि वो कार्तिक आर्यन संग फ्लर्ट, टाइगर श्रॉफ के साथ डेट और प्रभास के साथ शादी करना पसंद करेंगी। कृति के मुताबिक उनका सबसे बड़ा क्रिटिक उनकी फैमिली है। हालांकि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह में किसके साथ काम करना पसंद करेंगी, इसका जवाब देने में कृति को कठिनाई हुई और उन्होंने कहा दोनों के साथ काम करना पसंद करेंगी।
बॉडी शेमिंग और बुलिंग के सवाल पर अभिनेता अर्जुन कपूर ने कहा, मैं अपने साइज को लेकर ओके रहा हूँ, मुझे कभी इससे दिक्कत नहीं हुई, मेरे चबी चबी गाल हैं, मैं कभी भी फैट किड नहीं था, मैं चबी गाल वाला रहा, मैं अपने लुक को लेकर हमेशा ओके रहा हूँ, मुझे कभी बुली जैसा फील नहीं हुआ। आपको बता दें, फिल्मों में आने से पहले अर्जुन कपूर ने 45 से 50 किलो तक वजन कम किया। इंडियन आइडल 12 का सबसे लंबा सीजन होस्ट करने के बाद आदित्य नारायण वेकेशंस पर चले गए। आदित्य अपनी पत्नी श्वेता अग्रवाल संग मालदीव्स में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कपल ने सोशल मीडिया पर वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, उनके भतीजे निर्वाण खान और कैटरीना कैफ फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस रवाना हुए। इस फिल्म में एक बार फिर दर्शकों को सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अमेज़न एलेक्सा ने अपने यूजर को बड़ा तोहफा दिया है। अब एलेक्सा यूजर सेलिब्रिटी वॉइस फीचर खरीद कर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कर सकेंगे बात।